शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा झारखंड उभरता, झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती भारद्वाज है। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जब एक महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर होती है तो अपने साथ साथ केवल दो परिवारों को ही नहीं बल्कि कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हैं। आज समय बदल चुका है। आज महिलाएं घर की दहलीज को लांघकर बाहर निकली है और अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। साथ में आर्थिक रूप से उन्हें मजबूती भी मिल रही है। तो हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहां पहले महिलाओं ने सिलाई का प्रशिक्षण लिया, उसके बाद उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिली है। वो घर में ही रहकर घर के कामकाज करने के साथ साथ वो सिलाई और कढ़ाई का काम करती है, साथ में कई और महिलाओं को भी सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण देती हैं। ऐसे में उन महिलाओं को रोजगार भी मिला है। अब वो अपने बच्चों को साथ में घर के कामकाज को देखने के साथ साथ अब उन्हें पैसे भी कमाने की आजादी मिली है, यानी कि महिलाओं के पास अब आर्थिक रूप से स्वतंत्रता भी आ गई है। त्योहार की बसंती कुमारी खुद का सिलाई सेंटर चला करके लोगों को रोजगार भी दे रही हैं तथा कई लड़कियों को यहाँ प्रशिक्षण भी दे रही हैं। यहाँ की लड़कियाँ काफी अच्छे तरीके से प्रशिक्षण ले रही हैं और इन सभी का लक्ष्य है कि आगे चल के खुद का सिलाई सेंटर खोलना है या फिर कहीं ना कहीं सिलाई के क्षेत्र में रोजगार ढूंढना है। कि महिला सशक्तिकरण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है बसंती कुमारी, जिन्होंने अपने दम पर सिलाई सेंटर खोला तथा कई महिलाओं, कई लड़कियों की जिंदगी को भी बदलने का काम कर रही है। सिलाई का प्रशिक्षण एक ऐसा हुनर है जो खासकर महिलाओं के लिए रोजगार का एक बेहतर विकल्प बन सकता है। यह न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार का एक बेहतर जरिया है। ये कला सदियों से चली आ रही है और आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि फैशन की मांग कभी खत्म नहीं होती। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में उनकी सहायता करती है। अपने झारखंड प्रदेश के लातेहार में बसंती कुमार ने सिलाई सीखकर खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। ये सिलाई के माध्यम से खुद तो आमदनी कर ही रही हैं, साथ ही साथ अन्य महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर उन्हें भी रोजगार का एक जरिया प्रदान कर रही हैं। मैं सिलाई सेंटर 2017 में खोली हूँ। मैं इंटर तक पढ़ाई की हूँ। मुझे सिलाई करने का बहुत मन था शुरू से बहुत मन था सिलाई करने का। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय भी मुझे यही चीज़ करने का शौक था, जो शादी के बाद मैं ये चीज़ को पूरा कर पाई। पहले तो हम सरकारी में जाते थे पर वहाँ हम सीख नहीं पाए, वहाँ पे सिलाई सीख नहीं पाए थे पर बस ये इधर उधर से ही हम सीखे, जैसे घर में जो सिलाई करते हैं उनसे हम सीखे, जैसे ये भाभी हो गई, दीदी हो गई, उन लोग को देख देख के सीखे हैं। अभी मेरे पास 15 लड़की है जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। सुबह में 5 लड़की आती है, दोपहर में 5 लड़की है और शाम में 4 लड़की है। इतना तो कमा लेते हैं जितना कि अपना बेटी को हम पढ़ा लेते हैं उसी में, और अपना घर का खर्चा भी निकाल लेते हैं और कुछ बचा के जमा भी कर लेते हैं। सीजन रहता है उस समय हम दे पाते हैं रोजगार, और अभी तो बस एक को हमेशा के लिए रखे हैं, जो हमेशा के लिए एक महिला को हम रोजगार देते हैं। यहाँ प्रशिक्षण लेने आई महिला बताती हैं कि बसंती कुमारी उन्हें 6 महीने में सिलाई का संपूर्ण प्रशिक्षण दे देती हैं। इससे उनके लिए रोजगार के कई विकल्प खुल जाते हैं। ये महिलाएं सिलाई सेंटर में काम करने से लेकर खुद का सिलाई सेंटर खोलने की क्षमता रखती हैं। इतना ही नहीं, उनके लिए फैशन उद्योग के सारे द्वार भी पूरी तरह से खुल जाते हैं। इनके अलावा वे स्वयं भी अपना सिलाई सेंटर खोल सकती हैं और उससे भी आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। लेडीज का सामान पूरा ही सीखे हैं, जैसे मैं सलवार सूट हो गया, ब्लाउज हो गया, फॉल लगाना हो गया, हेम पिको हो गया, ये सब
कमा लेते हैं अपना काम भर, अपना काम भर कमा लेते हैं। उन लोग के आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे हम रोजगार बसंती दीदी के यहाँ से सीखे हैं, कर रहे हैं, वैसा ही हर लड़की लोग भी अपना पैर पर खड़ा हो जाए, अपना प्रशिक्षण पूरा ले ले, अपना घर में भी सिलाई सेंटर खोलें, चलाएं, दो रुपया कमाएं, ताकि किसी से पैसा ना लें, अपना पैर पर अपना स्वयं खड़ा हो जाएं, बच्चा लोग का भरण पोषण अच्छा से करें, परिवार भी घर परिवार अच्छा से चलाएं, यही सब शिक्षा देना चाहते हैं। मैं यहाँ खुशबू सिलाई सेंटर में पिछले 3 महीने से सीख रही हूँ। मैं अभी तक पेटीकोट बनाना, सिंपल ब्लाउज बनाना, अभी तक मैं सिर्फ 2 ही चीज़ सीख पाई हूँ। 3 महीने से मैं सीख रही हूँ। 6 महीने का कोर्स है। अगर आप ज़्यादा अगर लेट लगे सिलने में सीखने में तो हम ज़्यादा भी कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा दिन भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे से सिखाती है, बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। जो चीज़ एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे जितना बार आपको नहीं समझ में आए बतलाती हैं। हाँ, थोड़ी स्ट्रिक्ट भी एक टाइम पे हो जाती हैं, जैसे हर टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं उसी तरह से। अभी तक 3 से 4 ब्लाउज मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, 3 से 4 पेटीकोट कंप्लीट कर चुकी हूँ अपने घर के लिए। इन फ्यूचर अगर काम आता है, अगर जॉब लगता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर अपना खुद के सेल्फ डिपेंड के लिए, सेल्फ ये के लिए अपना खोल सकते हैं और अपना आगे का रोज़गार, घर का खर्चा। हाँ, एक महिला को मजबूत होना, खुद के लिए डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे कि आप गांव घर में देखते हैं, अपने हर किसी के घर में एजुकेशन लेवल सही नहीं होता है, गरीब लोग भी उतना पढ़ नहीं पाते हैं। हर अधिकतर गांव में छोटे लोगों को देखते होंगे आप कि घर में पैसा के लिए मारा मारी, हस्बैंड भी नहीं कमा रहे हैं, वाइफ भी नहीं कमा रही, लास्ट में ऐसा स्थिति हो जाता है कि कहीं दूसरे से मांगना पड़ता है या भीख मांगना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप खुद से छोटा मोटा ही कुछ पैसा लगा के आप सीख लें और खुद का अपना सेल्फ डिपेंड के लिए खोल सकते हैं। सिलाई सीखेंगे या अपना सिलाई खोलेंगे, नहीं भी खोलेंगे तो मतलब कहीं और दूसरा का, जैसे कि भाभी के यहाँ हम आते हैं तो वही हमको रोजगार दे, ऐसा हम चाहें। अगर हम नहीं सकेंगे और किसी के सिलाई सेंटर में भी जा सकते हैं हम, जहाँ हमें मिले रोज़गार। सीखना तो हम बहुत पहले से चाहते थे, लेकिन मतलब कोई आ नहीं रहा था और उतना दूर से था, तो हम अकेले साइकिल से आते हैं, तो इसीलिए साथ में सोचे तो साथ में आ रहे हैं हम लोग। अभी तो मतलब सादा ब्लाउज सीख रहे हैं, 1-2 सिल लिए हैं बस, तीसरा में अभी चालू किए हैं। घर के लिए 2 सिले हैं, माँ को भिजवा भी दिए। मतलब हमको शौक है तो घर वाले भी करते हैं कि मतलब कुछ भी करो लेकिन मतलब अपने पैर पे निर्भर हो। अभी तो हम लोग शुरू हैं, मतलब अभी वो सब नहीं, मतलब अभी ज्यादा सीख रहे हैं। बसंती कुमारी के सिलाई सेंटर खोलने में उनके पति नीरज प्रजापति ने भी उनका काफी सहयोग किया है। उन्होंने बसंती कुमारी के कहने पर इस केंद्र में आधुनिक मशीनों की व्यवस्था की है। उनका मानना है कि इस मशीन में महिलाएं सिलाई सीख कर किसी भी कपड़े की फैक्ट्री में कार्य करने के लिए सक्षम बन सकती हैं। नीरज प्रजापति आज बसंती कुमारी के कार्य से काफी खुश हैं। वो अब इस सिलाई सेंटर का विस्तार करना चाहते हैं। जब बोली कि सिलाई सेंटर खोलना है तो मुझे अच्छा लगा जान के कि जीवन में आपके कुछ करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहती है, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत से मतलब स्टार्टअप कर दिया इसका, ताकि अब खोलना है तो मशीन वगैरह परचेज करके मैंने इसको स्टार्ट करवा दिया। हाँ, जो आप अभी मशीन देख रही है उषा का, जो मशीन आप देख रहे हैं, ये एक इंडस्ट्रियल हाई स्पीड मशीन है, जिसमें क्या होता है ना कि फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो कपड़ा बनते हैं, कम समय में ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उसी के लिए मशीन है। और इसका फायदा ये होता है कि जो घरेलू हम लोग डोमेस्टिक या अम्ब्रेला मशीन कह लीजिए, उसमें बहुत सारा धागा टूटता है, धागा उतर जाता है, कभी सिलाई सही नहीं देता, लेकिन इस मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं आता। ये कम समय में ज़्यादा सिलाई करती है और इसमें धागा टूटने का, धागा उतरने का ये सब प्रॉब्लम नहीं आता। और सिलाई का फिनिशिंग बहुत अच्छा है, एक बार अगर इसमें कोई भी सिल लेगा तो आराम से सिल लेगा, और इसमें एक बच्चा तक ही सिल बच्चा भी सिल लेगा, इसमें दिक्कत कहीं नहीं आता है, एकदम स्मूथ सा चलता है। और ये जो मशीन है आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, कम समय में ज़्यादा सिलाई करता है। और इसमें जब कभी कभी होता है क्या है कि हम लोग अम्ब्रेला मशीन में देखे होंगे आप लोग कि तेल जो हम लोग डेली डालते हैं, लेकिन इस मशीन में ये सारा प्रॉब्लम नहीं होता है। एक बार आप इसमें ऑयल फिलिंग कर देते हैं तो आपको 6 महीना तक इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया मशीन है और इस एरिया खास करके लातेहार एरिया में आपको बहुत कम ऐसे मशीन मिलेंगे
जो कि हम लोग यहाँ रखे हैं, बच्चों को इस मशीन से ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, जो कि बच्चे को ज़रूरी है जानना, क्योंकि अम्ब्रेला मशीन तो अक्सर सबके घरों में मिलता है लेकिन ये मशीन सबके घरों में नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग रखे इस सोच के कि इस मशीन के बारे में बच्चों लोग को जानकारी हम लोग दें, जो भी बच्चियाँ सीखने आ रही उसको हम लोग ट्रेनिंग दें, ताकि फ्यूचर में अगर कहीं जाती हैं उन लोगों तो उन लोगों को ये मशीन के चलाने का मौका मिले। हाँ, ये जो सिलाई सेंटर जो है, हमारी वाइफ जो चला रही है सिलाई सेंटर, इसको थोड़ा और आगे हमें बढ़ाना है ताकि हम और बच्चे को ट्रेनिंग दे पाए, क्योंकि अभी क्या है कि हमारे पास जगह कम होने के कारण हम कम बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमारे पास टोटल 6 मशीन है, 6 से हम 12 करना चाहते हैं ताकि हम 12 बच्चों को ट्रेनिंग दें। फिर धीरे धीरे हम अपना फ्रेंचाइजी भी खोलना चाहते हैं, अलग एरिया में, कुछ एरिया में अपना हम सिलाई सेंटर खोलना चाहते हैं जो हमारे नाम से चले, ताकि वहाँ के जो बच्चे उधर से नहीं आ पाते वो बच्चे वहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले और अपने जीवन पर आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़े हो पाए। सिलाई का प्रशिक्षण आज के वक्त में रोजगार का एक सशक्त माध्यम बन गया है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर तो हो ही रही हैं, इसके साथ साथ वे समाज में सम्मान भी प्राप्त कर रही हैं। आज इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। अतः महिलाएं इससे जुड़कर न सिर्फ अपने लिए रोजगार सृजित कर सकती हैं बल्कि समाज में सम्मान भी प्राप्त कर सकती हैं। तो आपने देखा ना किस तरीके से महिला केवल घर का काम ही नहीं कर रही हैं, बल्कि वो बाहर भी निकली हैं और उन्होंने प्रशिक्षण लिया है सिलाई का। उसके बाद वो और महिलाओं को शिक्षित कर रही हैं, प्रशिक्षित कर रही हैं सिलाई और कढ़ाई को लेकर। तो इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि कैसे जैविक खेती महिलाओं के लिए जीवन का आधार बना है, महिलाओं के लिए लाइफ लाइन बना है। एक वक्त पहले का था जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, वो बस घर के कामकाज तक ही सीमित थी, वो बस घर के कामकाज ही करती थी। लेकिन आज महिलाएं बाहर निकली हैं और आर्थिक रूप से सबल हुई हैं। महिलाएं यहाँ पे जैविक खेती को लेकर दूसरे महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं और बता रही हैं कि जैविक खेती के कितने फायदे हैं। आजकल बाजार में ऑर्गेनिक चीजों की मांग बढ़ रही है और साथ में महिलाएं और भी महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं, बता रही हैं कि अगर आप जैविक खेती करते हैं तो आपको मुनाफा और ज्यादा मिलेगा और साथ में इस खेती के फायदे भी हैं, क्योंकि पारंपरिक ढंग से महिलाएं यहाँ खेती कर रही हैं और साथ में उन्हें रोजगार भी मिला है। आज हम आ पहुँचे हैं उदयपुरा लातेहार में, जहाँ की महिलाओं ने ये प्रशिक्षण लिया है कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती की जाती है, किस प्रकार से ऑर्गेनिक खाद तैयार किया जाता है। और यहाँ की महिलाओं ने एक समूह बना लिया है और साथ ही मिल करके ऑर्गेनिक खेती करती हैं, ऑर्गेनिक खाद तैयार करती हैं। तो आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो ऑर्गेनिक खाद बनाती हैं, इसमें क्या कठिनाई आती है और किस प्रकार से ऑर्गेनिक खाद यहाँ के लोगों का जीवन स्तर, यहाँ के कृषि का स्तर को सुधार रहा है। तो आइए आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं यहाँ की स्थानीय महिलाओं का। आज जब रासायनिक खेती के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, जब इसकी वजह से न सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है बल्कि इसकी वजह से मृदा स्वास्थ्य तथा हमारा वातावरण भी प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में जैविक खेती का महत्व बढ़ जाता है। किसानों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे जैविक खेती की ओर रुख करें। झारखंड में इस दिशा में JSLPS बड़ी गंभीरता से कार्य कर रही है। ये सोसाइटी यहाँ की महिला समूह को जैविक खेती का प्रशिक्षण देकर उन्हें इसके लिए प्रेरित कर रही है। लातेहार के उदयपुरा ग्राम में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ की महिलाएं 2020 से JSLPS से प्रशिक्षण लेने के बाद जीवामृत, घन जीवामृत खाद स्वयं बना रही हैं और उसका इस्तेमाल अपनी खेती में कर रही हैं। इससे उनकी फसलों के उत्पाद गुणवत्तापूर्ण और स्वादिष्ट हो रहे हैं और बाजार में अच्छी कीमत पर बिक रहे हैं। हमारा समूह का नाम है शंकर आजीविका स्वयं सहायता समूह। समूह में भी अध्यक्ष हूँ और ऑर्गेनिक खेती के बारे में हम लोग कुछ जा रहे हैं बनाने और भी करते भी हैं। हम लोग सभी महिला लोग वो हम लोग बना को भी दिखाएंगे कैसे बनाते हैं और हम लोग खेती में कैसे यूज कर रहे हैं। पहले तो हम लोग नहीं करते थे, 2020 से हम लोग जो कर रहे हैं, 2024 हो गया है, अभी हम लोग ऑर्गेनिक से अभी खेती कर रहे हैं और अच्छा तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं और अभी बना के दिखाएंगे। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि रासायनिक खेती की वजह से इनकी मिट्टी पहले बंजर हो गई थी, परंतु जैविक खेती ने उसमें फिर से जान फूंक दी है।
JSLPS ने उन्हें जैविक खेती का प्रशिक्षण देकर उनकी खेती का रूप ही बदल दिया है। अब इनकी फसलों के उत्पाद न सिर्फ गुणवत्ता युक्त होते हैं बल्कि खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें ग्रहण करने से ये लोग गंभीर बीमारियों से बच रही हैं। फिर बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से इनकी आमदनी बढ़ रही है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। हम लोग 2020 से हम लोग जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग का जो पहले हम लोग का बंजर बन गया था खाद डालते हुए, कोई ट्रेनिंग नहीं मिला था। 2020 से हम लोग का जो ट्रेनिंग मिला तो हम लोग ऑर्गेनिक खेती करने के लिए हम लोग सीखे। तो हम लोग का खेत में अभी जो हम लोग गोबर डाल रहे हैं, जो केचुआ सब अभी सब अंदर चल गया है, उसके चलते अभी हम लोग का बहुत झेलना पड़ रहा है और अच्छा तरीके से नाने के प्रयास कर रहे हैं हम लोग। JSLPS ने हम लोग का बहुत अच्छा से हम लोग सहयोग दिए हैं कि हम लोग अच्छा से आगे खेती करके हम लोग कुछ आगे बढ़े और दो पैसा हम लोग कमाए और हम लोग का बाल बच्चा का सुरक्षित हम लोग का बहुत अच्छी से हम लोग का जीवन में अच्छा से हम लोग भविष्य के लिए आगे बहुत अच्छा सरकार ने सोचा है हम लोग का JSLPS का माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने के लिए। कि अभी हम लोग जो डाल रहे हैं ऑर्गेनिक तो हम लोग का मिट्टी जो है से अभी काला हो गया है, जो गोबर से कर रहे हैं जो दवाई घन जीवामृत बीजामृत यो ब्रह्मान अस्त्र ये सब बना के जो साग सब्जी में डाल रहे हैं और खा रहे हैं तो हम लोग का शक्ति जो है से बढ़ रहा है। और जो बाज़ार में भी मार्केटिंग कर रहे हैं उससे हम लोग बहुत अच्छा से बेच रहे हैं। वो लोग बैठे रहते हैं, वो लोग का 20 रुपया रहता है तो हम लोग का 30-40 हम लोग तुरंत बेच लेते हैं कि ये लोग बहुत अच्छी से कर रहे हैं और खा के भी और मार्केटिंग करके भी जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग का जो खेती कर लेते हैं तो उसमें हम लोग का भी अच्छा कमाई है कि जो हम लोग एक फसल में लगाते हैं तो उसमें हम लोग का एक फसल में 20-25 हज़ार जो इनकम होता है हो जाता है घर में बैठे बैठे। उसका बाद में जो धान भी लगाते हैं जो ऑर्गेनिक से अभी जो लगा रहे हैं उसमें जो कम बीज लगता है उसमें हम लोग का भी जो ऑर्गेनिक से लगा रहे हैं जो कि बना हुआ है उसमें धान बेचने से भी उसमें जो फ़ायदा होता है कि अच्छा तरीके से होता है, खाते भी हैं और बेचते हैं तो उसमें भी हम लोग का 50-60 हज़ार उसमें भी हो जाता है। खेती करके जो हम लोग का भी बाल बच्चा पढ़ाने के लिए भी अब बहुत अच्छा से हो जाता है, बाहर कहीं जाना के जाने नहीं पड़ता है। या समूह का माध्यम से हम लोग ऋण लेके हम लोग खेती बाड़ी करते हैं या समूह से लेके हम लोग दुकान उकान चला लेते हैं या खेती कर लेते हैं हम लोग बहुत अच्छा से। समूह अच्छा चल रहा है तो समूह का माध्यम से खेती भी अच्छा से कर रहे हैं और मिट्टी भी शक्ति अच्छा है और पोषक तत्व भी बढ़ रहा है, बाल बच्चा को भी अच्छा जीवन में विकास कर रहे हैं और हम लोग का भी। अब पहले तो जो खाते थे तो हर तरह से बीमारी बढ़ते जा रहा है, बच्चा का भी माँ में भी दूध में भी उतर रहा है तो दवाई डालने से ऐसा हो रहा था। तो अभी ट्रेनिंग हम लोग लिए हैं तब से बहुत अच्छी से खेती कर रहे हैं और अच्छा उपज भी कमा रहे हैं और दो पैसा हम लोग अच्छी तरह से कमा भी रहे हैं। यानी खाद 2020 से बना रहा है हम लोग के ट्रेनिंग थे वो उधर सीखा है, उसी खाद बनाने के लिए कैसे वो गोबर गुड़ बेसन दे के उसको अथी कोड़ा लगाने के लिए अथी करेंगे देंगे गोबर से मिला करके पौधा में दे के। और ये ननुआ ननुआ लगाए हैं, खीरा उरा सब लगाए हैं, ये सामने हमरे है सब जड़ में देते हैं तो फायदे न होता है। ये जो फरता है सब फल फूल सब लगा है सामने, बाजार में नहीं खरीदने होता है। हम लोग घर में करते हैं खेती बाड़ी, घर में खाते हैं, तनी मनी बचता है बेचते हैं। नुकसान होता है बाजार में खरीदने के लिए, घर के लिए घरे अपना होता है बढ़िया। और खरीदने के लिए ये खाद उद फेंट के देता है वो लोग सब, लोग अपना खाद बना के बेचते हैं अथी करते हैं उज करते हैं सब खेती बाड़ी करते हैं देहात में। और यहाँ पर खेती होता है ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं और उससे क्या क्या होता है सारा चीज़ सब्जी लगाते हैं उसमें लगाया जाता है, थोड़ा थोड़ा दे के मिला के कोड़ा कर देते हैं उसको। और उसके बाद बाज़ार से कोई चीज़ सब्जी लाने के लिए कोई एग्री नहीं होते हैं, घर से जो होता है उसी को खाने के लिए कोई भी तैयार होते हैं। दीदी लोग बाज़ार ले जाते हैं तो जल्दी सब बिक्री हो जाता है इसी का। रासायनिक खेती ने मनुष्य को मिट्टी को और पूरे वातावरण को सिर्फ हानि ही पहुँचाई है, इसने हमें गंभीर बीमारियों की चपेट में लिया है। यही वजह है कि आज सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। JSLPS इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में उनकी मदद कर रही है। आज जहां भी जैविक खेती का इस्तेमाल हो रहा है वहां के लोगों का स्वास्थ्य स्वतः ही ठीक हो रहा है।
ये किसानों की मिट्टी से लेकर पूरे वातावरण को स्वस्थ बना रही है। फिर इसके उत्पाद की मांग बाजार में अच्छी होने की वजह से किसानों को इसकी कीमत भी अधिक मिल रही है। उदयपुरा की महिलाओं के लिए तो ये खेती वरदान साबित हो रही है। मैंने जो ये महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों में सरकार की कई योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा दिया गया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है, साथ ही साथ गांव के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। पहले हम जहां तक देखते थे कि यूरिया, DAP और अलग अलग कीटनाशक के माध्यम से किसान खेती कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम गांव में देखी जा रही थी। बच्चे विकलांग पैदा हो रहे थे, कई सारी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां गांव-गांव में देखने को मिल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब से ये जैविक खेती गांव में स्टार्ट हुआ है, तब से गांव की महिलाएं और जितने भी किसान हैं जैविक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, साथ ही फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। शुरुआत के समय में जब ये शुरू करते हैं हम लोग जैविक खेती, तो शुरुआत में फसल थोड़ी कम होती है, क्योंकि यूरिया, DAP और कीटनाशक की वजह से जमीन बंजर हो चुका होता है। लेकिन एक दो साल के नियमित प्रयास के बाद मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और पहले से बहुत बेहतर उपज देना शुरू कर देती है। और आज जैसा सभी लोगों को पता है कि जैविक जो उत्पाद है उसकी बहुत अच्छी गुणवत्ता और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तो उनको मार्केट भी बहुत अच्छा मिलने लगा है। और इस वजह से आज उनको मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से वो अपने सामान को बेच पा रही हैं। झारखंड सरकार में कई बार किसान मेला आयोजित किया जाता है, उसमें भी ये अपने ऑर्गेनिक उत्पाद को लेकर के जाती हैं और हाथों हाथ उनके उत्पाद खरीद लिए जाते हैं। इससे उनकी आजीविका में भी बहुत परिवर्तन आया है। तो जैविक खेती हम लोग करने के लिए हम लोग तीन चीज़ें हैं जो फसल को चाहिए होती है। एक, आपको फसल की ताकि पैदावार आपकी बढ़े, उत्पादन बढ़े, उसके लिए कई सारी ऐसी खाद है, जैसे घन जीवामृत है, जीवामृत है, इस तरीके की खाद हम लोग उसमें डालते हैं। दूसरी चीज़, रोग प्रतिरोधक, पौधे को रोग से बचाने के लिए, रोग निवारण के लिए हम लोग कई सारी चीज़ें करते हैं, जिसमें बीज उपचार है, और भी कई चीज़ें हम लोग उपाय करते हैं जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ती है। और तीसरी चीज़ है कि पौधों को कीटाणुओं से बचाना, कीड़े मकोड़ों को लगने से बचाना, तो उसके लिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे नीम के पत्ते से कई सारी औषधि बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है, जिससे कि उनमें कीड़े ना लगे। तो इस तरीके से हम लोग घन जीवामृत, जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इस तरीके की सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से किसान जैविक विधि से बहुत अच्छी फसल करते हैं और उसका स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव भी नहीं होता और घर परिवार सब हस्त स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसको हमें आने वाले समय में और भी अच्छे से बढ़ावा देना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा कि जैविक को मास लेवल पर सरकार के स्तर पर बढ़ाया जाए। और जैसे सिक्किम हमारा एक राज्य है जिसको कि जैविक राज्य घोषित किया गया है, जहां पर किसी भी तरह का केमिकल रसायन उपयोग नहीं होता, वैसे हमारा झारखंड भी रसायन मुक्त राज्य घोषित किया जाए और हर जगह जैविक खेती से खेती हो और हर जगह खुशहाली हो। जैविक खेती वस्तुतः आज की मांग है। रासायनिक खेती के दुष्परिणामों से बचने के लिए ये एक बेहतर विकल्प है। उदयपुरा की महिलाओं ने इसे अपनाकर न सिर्फ अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित किया है, बल्कि उन्होंने इसे अपनाकर अपनी आमदनी भी बढ़ाई है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। जैविक खेती यहाँ की महिलाओं के जीवन में आधार धन बन गई है। हम इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रखते, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम इसी तरीके से मिलेंगे आपसे अगले अंत में। तब तक के लिए हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा झारखंड उभरता, झारखंड।